अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त मोहम्मद खुशनूर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जबल अहद ले चलता हूँ। ये दोस्तों सऊदी अरब के उत्तर में एक पहाड़ है। यहाँ 1077 मीटर ऊंचा और 7.5 किलोमीटर लंबा है। यह मुसलमान और अविश्वासियों के बीच दूसरी लड़ाई का स्थल भी है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लिखे हुए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यह है जबल अहद, जिसे जंगे अहद भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको हजारों देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दूर दूर से लोग जियारत के लिए आते हैं। ये 24 घंटा ओपन रहता है। ये दोस्तों सऊदी अरब के मदीना शहर में है। अगर दोस्तों आपको मदीना के अलबैदा यानी कि वादी अलजिन की भी वीडियो देखनी है तो इसकी वीडियो मैं पहले से बना दिया हूँ। आप चाहे तो ऊपर दिए हुए आई बटन या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। जहाँ 23 मार्च 625 ईसा पूर्व पहले जंग हुई थी। यह मदीना के जबल अहद के तट के घाटी में किया गया था। अबू सुफियान इबन हरब के नेतृत्व में कुरैशी मैकनेंस ने मदीना के मोहम्मद के गढ़ की और 3000 लोगों की एक सेना का कमान संभाली थी। यह लड़ाई पूरे मुसलमान कुरैशी के युद्ध में एकमात्र लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए प्रतिबंध भी नहीं किया था और यह बदर की लड़ाई के 9 महीने बाद आया था। दोस्तों मदीना के इतिहासकार खलीद तुर्क तैयब का मानना है कि इसे मुसलमानों का स्थल भी कह सकते हैं, जो मुसलमानों के संघर्ष और उनके शुरुआती दिनों में इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ उनकी दृढ़ता का गवाही देता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।